हेलो फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिकल में हम गास्केट के ऊपर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गास्केट्स रखे हुए हैं यहाँ पे। अब ये सब गास्केट्स किस लिए यूज़ होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये क्या है, तो क्या ये मैनिफोल्ड गास्केट है। अब ये मैनिफोल्ड गास्केट यानी क्या, तो कि सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि गास्केट का यूज़ क्या है। तो कि गास्केट क्या, तो कि दो स्टेशनरी पार्ट्स जो भी होते, जब दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से जॉइंट किया जाता है, तो वो दोनों पार्ट्स में से अगर जो भी पार्ट्स है उसकी जो पाइप्स है, तो उसके अंदर से कुछ भी जो भी है, जिस तरीके से फ्यूल है या फ्लूड है या एनी काइंड ऑफ थिंग, या तो गैसियस चीज़ है, वो वहाँ से लीकेज ना हो जाए, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो कि गास्केट का यूज़ करते हैं। तो कि जिस तरीके से आप देखो, तो यहाँ पे मैनिफोल्ड गास्केट दिखाई हुई है। अब यहाँ पे क्या है, तो कि ये जो है 1, 2, 3 and 4, ये जो 4 सेगमेंट्स है वो इंटेक मैनिफोल्ड के लिए है, जबकि यहाँ का 1, 2, 3 and 4 ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के लिए है। वो किस तरीके से, तो कि यहाँ पे हम देखें, तो कि आपको समझ में आएगा कि ये जो सेगमेंट है यहाँ पे, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, तो कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो है इस तरीके से इसके ऊपर लोकेट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये गास्केट जो है वो पूरा हेड के ऊपर लगता है, यहाँ पे आप हेड देख सकते हो, ठीक है। तो उसके ऊपर, और यहाँ पे ये मैनिफोल्ड का सेगमेंट है, यानी कि ये इंटेक मैनिफोल्ड, तो कि इंटेक मैनिफोल्ड इस तरीके से इसके ऊपर अटैच हो जाती है, यानी जिसकी वजह से क्या होगा कि इंटेक में से जो भी एयर आ रही है वो वहाँ से लीक नहीं होगी, और एग्जॉस्ट में से जो एग्जॉस्ट जा रहा है वो भी लीक नहीं होगा। और यहाँ पे 3 लेयर गास्केट हम देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो गास्केट है जो क्या है, तो कि यहाँ पे जो हमारा डीजल इंजन पड़ा हुआ है उसका ये, अब इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो कि यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सिलेंडर के लिए है, और यहाँ पे ये जो 1, 2, 3, 4 लास्ट वाला, यहाँ पे ये 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, ये जो है वो क्या है, तो कि जो सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक, यानी ये हेड और ब्लॉक दोनों को जॉइन करने के लिए उसमें से बोल्ट पास आउट होते हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो ये होल्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो उस तरीके से जो भी है आसपास में वो सब क्या है, तो क्या वाटर जैकेट्स के लिए, कि जो हमने देखा था आगे उसी तरीके से यहाँ पे जो वाटर जैकेट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सिलेंडर हेड पे, यहाँ पे हेड पे और यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक पे, तो क्या सिलेंडर ब्लॉक पे जो आपको यहाँ पे वाटर जैकेट्स दिख रहे हैं, तो वाटर जैकेट्स के जो भी होल्स हैं उसको यहाँ से पास करने के लिए, वो जो कूलिंग वाटर है उसको पास करने के लिए यहाँ पे होल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो ये क्या है, तो के वाल कवर है, वाल कवर के ऊपर यहाँ पे रबर कास्केट दी हुई है, इस तरीके से यहाँ पे भी एक और कास्केट है, यानी कि अब हम समझे तो गास्केट यानी क्या, तो के दो स्टेशनरी जितने भी पार्ट्स होते हैं वहाँ से कोई भी फ्लू ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, या फ्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, या गैसियस चीज़ें ट्रांसफर हो रही हो, तो वो सभी चीज़ों के बीच में क्या लगाना पड़ता है, हमको गास्केट लगाना पड़ता है। ये जो है वो गास्केट कास्ट आयरन से बना हुआ है, यहाँ पे ये रबर से बना हुआ है, ठीक है, ये भी कास्ट आयरन और अलॉय एल्यूमिनियम से बने हुए होते हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और इंटेक मैनिफोल्ड को अटैच किया जाता है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको किस तरीके से अटैच किया जाता है वो हम देख लें। तो इसको जो लगाने की प्रोसीजर है वो हम इस तरीके से लगाते, तो आप देख सकते हो सिलेंडर के हेड के ऊपर वो आसानी से बैठ चुका है, यानी ये सिलेंडर हेड के ऊपर जब आसानी से बैठ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो कि अब हम इसके ऊपर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और इंटेक मैनिफोल्ड लगा सकते हैं। जैसे कि हम सिर्फ इसके ऊपर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा के देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये हमारी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है जिसको हम उसके ऊपर अटैच करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हमने एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इसके ऊपर अटैच कर दिए, तो आप देख सकते हो अब क्या है, तो कि जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो अब कहीं से भी लीकेज होने के उसके चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ जितनी बार हम खोलते हैं उतनी बार हमको ये गास्केट चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि गास्केट जो है उसमें फिर लीकेज होने के चांसेस है, या तो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब हमारी ये जो गास्केट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कि ये जो गास्केट है हमारा, वो यहाँ पे आप देखोगे
के वाल का सेगमेंट है, यानी कि ये कहाँ पे, तो के सिलेंडर के अंदर की साइड आएगा, जबकि उस साइड वाला जो सेगमेंट था वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो गास्केट में एक जो होल होता है यहाँ पे की होती है, आप देखोगे तो ये की है, तो वो की के साथ सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो उसके साथ क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसी तरीके से सिलेंडर ब्लॉक जो है उसमें भी इस तरीके की होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी सेगमेंट्स आप देख सकते हो, अब सभी होल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। यानी ये क्या है, तो कि हेड और ब्लॉक, यहाँ पे हेड और ब्लॉक दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या लगाई हुई होती है, गास्केट लगाई होती है। और सभी होल्स आप देख सकते हो, यहाँ पे वाटर जैकेट्स के जो भी होल्स थे वो भी एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे वाल सपरेशन, इनटेक एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट इनटेक, इनटेक एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट इनटेक। यहाँ पे भी आप वाटर जैकेट्स के होल्स देख सकते हो, और ये सिलेंडर ब्लॉक में वाटर जैकेट्स के होल। थैंक यू।